लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रोफेसर कहाँ है? ऊपर टेलीस्कोप। हाँ। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। और रमेश जबानी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखा चुका हूं, अब जरा प्रैक्टिकल भी हो जाए। देखो, मगर सिर्फ इन दो आंखों से नहीं, मेरे फलसफे की इस तीसरी आंख से देखो शादी खाना बर्बादी के कई रूप। आओ। शादी पापे पापे को पड़े हुए स्यापे। बाबा बाबा, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। शाबाश मेरे शागिर्द, मिलाओ हाँ। होशियार। अरे मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि हर फूल में कांटा होता है, बादल में बिजली और हर खूबसूरत लड़की में छल कपट। ये हमारी बेइज्जती है। वी प्रोटेस्ट। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी जी नहीं, जरा इनकी तरफ देखिए। आज ये शहजादे हैं,
कल ये प्रेम की शीतल चांदनी में स्नान करेंगे और परसों ये सुहाग रात के मधुर संगीत में खो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। शहजादा जमीन पर आ गिरेगा और चांदनी की जगह आलू, प्याज, बैगन, गोभी और मधुर संगीत की जगह बच्चों की चहपाई, बीवी की चकचक, मकान का किराया, बनिए का बकाया, हाथों पाई, मार कुटाई, लड़ाई। वाह मेरे शागिर, क्या बात सुनाई। थैंक यू प्रोफेसर। बकवास, जो गरजती है वो बरसती नहीं। मैं जंगली को जानती हूँ, जो कभी नहीं हंसता था। ये तो फिर भी गनीमत है, वो किसी खूबसूरत लड़की तो क्या, किसी खूबसूरत चीज को देखकर नाक सुकेड़ लेता था। अच्छा, लेकिन जब वो किसी हसीना की जुल्फ में जा फंसा तो दिन रात एक ही इल्तिजा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। You're right, शिफाली। इन्होंने जो इतना जोरदार लेक्चर ढाल दिया है, इसका ये मतलब है कि इनके अपने मन में चोर है। देखो देखो, अभी से शर्माने लगे, आंखों में कुछ अजीब सी चमक है ना? ओह नो, घबराओ मत डार्लिंग। तलवार छनकी है,
पायल बजे भागो कि ये खतरे की घंटी है, पढ़ने न पाए हुस्न कसाया, पढ़ने न पाए हुस्न कसाया, देखो बजाना। अरे वाह वाह मेरे शागिर्द, थैंक यू। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, मुझको चाहती है जुल्फों में उलझाना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, या फिर मैं दीवाना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो सब लड़कियों के साथ नाचते हो। मैं कहाँ नाच रहा था, लड़कियां नाच रही थी। तो यूं कहो ना कि तुम नाचते नहीं बल्कि हम सबको नचाते हो, और मुझे कुछ ज्यादा ही नचाते हो। मैं किसी को नहीं नचाता। दरअसल बात यह है कि मेरे पापा के पास बहुत रुपया है, वो सबको नचाता है, और चूंकि तुम कुछ ज्यादा हल्की फुल्की हो इसीलिए तुम्हें ज्यादा नचाता है। रमेश प्लीज डोंट बी रूड, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। प्यार? तौबा तौबा। प्रोफेसर थैंक यू, आपने मुझे इससे बचा दिया। कम ऑन माय बॉय। उनको आता है प्यार पर गुस्सा, और हमको गुस्से पे प्यार आता है। आप अपना काम कीजिए। जी यही तो मेरा काम है, दो दिलों को जोड़ना। ट्रेनिंग शिकागो में पाई है और प्रैक्टिस हिंदुस्तान में कर रहा हूँ। मतलब क्या आपका? जी मेरा मतलब है कि मैं आपकी शादी रमेश से करवा सकता हूँ, बदले में थोड़ी सी फीस मिल जाएगी, वो भी जितनी दे सकें, जब दे सकें, ना दे सकें, ना दे सकें। लोग मुझे प्यार से मदन कहते हैं, मदन शिकागो वाला। ओ शट अप। ओ शो शो। आज आप बड़ी देर से हैं। जल्दी खाना लगवा दो, मुझे सवेरे मधुमति जंगल जाना है। फिर मधुमति जंगल? पहले आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है और काम कर करके। आप भला इतना काम क्यों करते हैं? भगवान का दिया सब कुछ तो है। भगवान का दिया एक नालायक बेटा भी तो है, निकम्मा। बीए के बाद और भी आवारा हो गया। हेलो बिहारी बाबू हैं, कहाँ गए? नारायण जी रमेश को बुला। जो कुछ करना है सुबह कर लीजिएगा ना। सुबह तक मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो क्या देखता है, जा से बुला। साहब रमेश भैया खाना खाकर सो गए, कहे तो जगा दूं। सो गया इतनी जल्दी? बीए पास कर लिया ना, हम मुझसे कह रहे थे नारायण अब काम करना होगा, सबसे पहले आदतें सुधारनी होगी। जी हाँ मुझसे कह रहे थे। आपको क्या मालूम हमारा बेटा कितना बदल गया है? आज ही कह रहा था माँ पापा एक बार मुझे काम देकर तो देखे, अपना काम ना भूल जाए तो कहना है? सच? अरे हमारे घर में इतना बड़ा भूचाल आ गया और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। नारायण जी रमेश से कह देना सुबह 9 बजे तैयार हो जाए, उसे मधुमती जंगल जाना होगा। जा 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 जा, जा। गुड नाइट बाबा।
बात है बेटा, आँख खुल गई? जी। कोई बुरा सपना देखा है क्या? हाँ। जी नहीं। खाना ज्यादा खा लिया होगा बेटे, बदहजमी में अक्सर ऐसा हो जाया करता है। जी हाँ पापा, वो प्रोफेसर ने मुझे पकड़ के। शट अप! इस घर का मालिक कौन है, तुम या मैं? आप कल सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। लेकिन पापा वो कल मैं। बात कम, कल तुम्हें मधुमति जंगल का सर्वे करने के लिए जाना होगा, समझे? जी जी, जी हाँ। खाना खाया? जी। सो जाओ। जी। गुड नाइट। जी जी क्या, गुड नाइट। गुड नाइट जी। क्या बात है, बाप का होटल, माँ की फ्री सर्विस, और क्या चाहिए? ले जाओ। तुम्हारा लाडला बेटा खाना खा गया है। ये क्या दूध है ना, सुबह तक दही हो जाएगा। नारायण नारायण, इधर से नारायण उधर से नारायण, इस घर में नारायण के सिवाय कोई है ही नहीं। उठो रमेश भैया, साहब तैयार हो गए। रमेश भैया उठो। मत उठो, मेरा क्या, नारायण को बहुत से काम है। रमेश तैयार हुआ? जी जी हाँ, वो तो कब से नहा धोकर तैयार बैठे हैं, अब तक तो नाश्ता भी कर चुके होंगे, बिल्कुल तैयार है सर। नारायण जी इधर आओ। तुमने जूते कब से नहीं खाए? जी अभी जगा देता हूँ सर। निकल जाओ। मैडम बाजी नमक खराब बेईमान कहीं का। क्यों इतना शोर मचा रहे हैं सुबह सुबह? अभी अभी सुनो, किसी अलग कर दो, झूठ बोलता है मक्का, उसने रमेश को बिगाड़ा। जब जागता है तो कहता सो रहा है, और अब सो रहा है तो कहता जाग रहा है। अगर रमेश सो रहा है तो नारायण इसमें क्या करे? अरे कौन पकड़ कर उठा दे। छी छी छी, कुछ तो सोचकर बोला कीजिए। सोचते सोचते मेरे बाल सफेद हो गए, अब अपने लाडले बेटे से कौन सोचने के लिए। इडियट रास्कल। आहिस्ता बोलिए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सुनने तो अच्छा है। क्या सुनो मोहल्ले वाले, सुनो। ये पानी पानी तो क्या है? मैं सबसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बेटा गधा है, उल्लू है। चुप। काट का उल्लू। नारायण कपड़े कपड़े धर्म धर्म। मेरा नाश्ता भी लिया। आज तो बहुत बड़ा त्योहार है, आपका बेटा पहली बार दफ्तर जा रहा है ना? मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा होता तब तो तैयार होकर गाड़ी में बैठा होता। गुड मॉर्निंग मिस्टर फैले। कौन? मदन, शिकागो वाला जी। बंदा खबर लाया है कि आपका शिकार आज मधुमति जंगल जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो।
इतना क्यों हंस रही है? मेरा नाम छोकरी नहीं, पूनम है। पूनम है तो क्या हुआ, घड़ा फेंककर मारेगी क्या? अरे फिर हंस रही है। ठीक, मेरी कल के लिए कहाँ जा रहे हो? ओफो, सुनाई नहीं पड़ता, कान से डोरे हो क्या? और तुम आँख से डोरी हो क्या? क्यों? कल देख कर मारा, सर फूट जाता तो? तो अच्छा हुआ, और मारूंगी। क्यों आए थे यहाँ? ये तुम्हारी जगह है? हाँ, हमारी जगह है। ठीक है, ये कलसी भी नहीं मिलेगी। जंगली भूत? अरे गाली देती है? और गाली दूंगी। तुम भूत हो, जंगली हो, भालू हो, भूत भैंसा हो। और तुम क्या हो? मैना, बुलबुल, कोयल। मुंह फाड़े क्या देख रहे हो? आंखें नीचो, मुंह फेर के खड़े हो जाओ। ओ, जरा डोरी बांध दो। क्या डोरी? तुम्हें शर्म नहीं लगेगी? शर्म? अरे बांधो ना। कुछ देर पहले तो मुझे गाली दे रही थी और अब ऐसी बातें कर रही हो जैसे कब से जानती हो। अरे हाँ, मैं तो घबरा गई थी, मैं समझी कि तुम कोई शिकारी विकारी हो। तुम तो शिकारी नहीं लगते। तुम बहुत ही अजीब लड़की। बाबा भी यही कहते कि मैं बहुत अजीब लड़की हूँ। अच्छा? अरे तुम्हारे तो कपड़े सब भीगे हुए हैं, चलो उतार दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। उतारता हूँ, उतारता हूँ। तुम्हारे चोट लग गई है। चोट? हाँ। पता है ये चोट क्यों लगी? क्यों? तुम्हारी वजह से। बहुत दर्द होता है। चल रहा है। आहिस्ता। बहुत दुखता है। बहुत ज्यादा। अच्छा तुम मेरे साथ घर चलो, कपड़े सुखा लेना, फिर जाना। हाँ चलो। चलो। मेरा घर अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन ये पेड़ पर क्यों है? जंगल में तरह तरह के पशु पाखी होते हैं ना, इसलिए। तुम्हें उसे डर लगता है? नहीं रे, जानते हो बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं सबसे भयानक जानवर आदमी होता है, बस उससे डरना चाहिए। अच्छा चलो चले। That's a healthy young man, I see. व्यायाम करते हो? जी। मैं पूछ रहा हूँ, एक्सरसाइज करते हो? ओह, एक्सरसाइज? जी हाँ। शाबाश। व्यायाम करने से तन की शक्ति बढ़ती है, परंतु तन की शक्ति से कुछ काम नहीं चलता, मन की साध होनी चाहिए। Healthy mind needs a healthy body. नाम क्या है तुम्हारा? जी रमेश। रमेश, मतलब समझते हो? जी, मतलब? नाम तुम्हारा किसी और का? जी नाम तो मेरा है, पिताजी ने रखा है। रमेश, रमा ईश, रमा के पति यानी विष्णु, समझे? जी। कितना पढ़े तुम? बीए।
अंग्रेजी आती है? जी हाँ। ओ, अंग्रेजी जानते हो और संस्कृत नहीं आती? हुँ? क्या पढ़ा तुमने, क्या सीखा है तुमने? अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति कुछ नहीं सीखी और विदेशी भाषा के चार पन्ने पढ़कर कहते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ? छी 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 जी, भूल हो गई है। तुम्हारी क्या भूल है, तुम्हारा क्या दोष है? सारा देश दोषी, देश के सारे नेता दोषी हैं। बाबा, इनके कपड़े सब भीगे हुए हैं, बदलने दो ना। मैंने तो देखा ही नहीं, भूल हो गई। चलो चलो जल्दी से कपड़े बदलो। चलो 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 चलो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। हाँ, आया, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, मैं सच कहती हूँ, इस कुर्ते और धोती में कितने सुंदर लग रहे हो। चलो भोजन कर लो। ये सब खाना तुमने बनाया? खाना? अरे ठहरो ठहरो, मैं प्रसाद लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। खाना खा, देखा? ओ ये तो कमली है मेरी, मैना। ओ मैना, चुप कर कमली, बड़ी नटखट है। तुम्हें दीदी कहती है? मैं उसकी दीदी है ना। अच्छा, तुम्हारी कोई दीदी है? नहीं, मेरी कोई दीदी नहीं, सिर्फ पिताजी है और माँ। माँ? तुम्हारी माँ है? तुम्हें बहुत प्यार करती है। हाँ। मुझे प्यार करेगी? तुम्हें कौन नहीं प्यार करेगा? चुप कर, तू चुप कर, बीच बीच में बोलती रहती है। तुम मुझे अपनी माँ से मिलाओगे? तुम शहर चलोगे? हाँ हाँ, जरूर चलूंगी। वहाँ शहर में बाबा के एक शिष्य हैं, बाबा कहते हैं मुझे उनसे मिलाएंगे। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? खा रहा हूँ। खाना अच्छा तो है ना? बहुत अच्छा है। तुम्हें ये सिखाया किसने? बाबा ने सिखाया। वो कहते हैं कि सब लड़कियों को शादी करके जब ससुराल जाती है ना, तो वहाँ खाना पकाना पड़ता है। सुनो, क्या सब लड़कियों को ससुराल जाना पड़ता है? पूनम, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो छोटे रास्ते से चली है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या बात है? एक बात तो कहना भूल ही गई थी, अपनी माँ जी से मेरा प्रणाम कह देना। बस इतनी सी बात कहने के लिए तुम इतनी दूर से आ रही हो? अरे इतनी दूर कहाँ है, ये यही तो है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं नहीं, बहुत रात हो गई है, तुम चले जाओ, मैं तो चले जाऊंगी। अरे जाओ ना।
प्रोफेसर मुझे प्यार हो गया है। आज मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? यस प्रोफेसर, यस मुझे मोहब्बत हो गई है। आई एम इन लव प्रोफेसर, आई एम इन लव। मैं जानता था तुम इस इम्तिहान में कभी पूरे नहीं उतरो, मगर तुम्हारे फेल हो जाने से मेरी फिलॉसफी फेल नहीं हो जाती। मुझे नाज है अपनी फिलॉसफी पर। तुम क्या समझते हो कि मैंने कहा ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए सिर्फ एक बार नृत्य किया था? नहीं, वो आज भी मौजूद है तुम जैसे उल्लू बनाने के लिए। मगर आज आज उसके कई रूप, रीटा, क्रिस्टीना, रियाना, मंजू, पद्मा, इन बलाओं से बचना सीखो इडियट। यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है प्रोफेसर। जब आपके दरवाजे पर बाहर आई तो आपने किवाड़ बंद कर दिए, चांद उभरने लगा और आप अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर बैठ गए। और जब मोहब्बत की सुनहरी धूप फैलने का मौसम आया तो आपने अपने चारों तरफ धुआं फैला दिया इस भद्दे बदबूदार सिगार का। बदतमीज। इतना तो सोचिए प्रोफेसर, अगर आपने वक्त पे शादी की होती तो आज इस दुबले पतले बंसी की जगह एक प्यारी सी भारी सी औरत होती। जिसे मैं प्यार से चाची कहता, और आप मुझे धक्के देने के बजाय एक कप चाय पिलाते जिसकी मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है। मुझे न तुम्हारी जरूरत है न तुम्हारी चाची की। चाची। हेलो। जी अभी बुलाता हूं। जी मेरा नाम चकोरा, पूनम का पागल, चांद का चकोरा। प्रोफेसर आपका टेलीफोन। यू गेट आउट, गेट आउट। आपका फोन प्रोफेसर। यू गेट आउट। आपको नहीं जी, नहीं। कौन? मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार चकोरा जी। नहीं नहीं, वो मेरा शागिर्द है पाजी बेवकूफ गधा। मैं नहीं। हाँ जी अच्छा। हाँ हाँ जी मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। चकोरा नो क्वेश्चन। जब बच्ची कहा है तो बच्ची कौन है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लो कि पूनम बहुत सीधी, बहुत सरल, प्राकृति की तरह निष्पाप पवित्र, हिरण की तरह चंचल। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप के जा रहा हूं। मगर आप जा कहां रहे हैं? यही तो सोचता हूं बिरजू, कहां जाऊंगा कहां जाऊंगा। पहले भी जब एक बार काल चक्र में मेरा घर बार सब उजड़ गया था, सोचा था बच गया, केदारनाथ बद्रीनारायण कहीं भी चला जाऊं, लेकिन एक अनाथ बच्ची के नन्हे नन्हे हाथों ने रोक लिया। लेकिन अब नहीं रुकूंगा। तो क्या आप वापस नहीं आएंगे? चुप, सुन लेगी, मैंने झूठ मूठ उससे कह दिया है। जल्दी आ जाऊंगा लेकिन अब नहीं लौटूंगा। बैठो बैठो, मैं कचहरी के कागजात लेकर आता हूँ। यही है प्रोफेसर ब्रजमोहन अग्निहोत्री, बड़े भले आदमी हैं। आज से यही तुम्हारे साथ। प्रणाम करो इन्हें, प्रणाम करो। जरा ये पकड़िए, ऋषि उड़ने न दीजिएगा। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। आइए, आप तो कुछ बोलते भी नहीं। तुम्हारे नाम पूनम है ना? सुंदर है ना? बहुत सुंदर हो। अच्छा ये तो बताइए, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? बिरजू, सुंदर है ना? बिरजू? थक, आप जैसों का नाम लेकर थोड़ी पुकारते हैं। मैं आपको चाचा जी कहूंगी। चाचा? तितलियां उड़ गई। पूनम कहां गई? तितलियां ही पकड़ने गई। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे जाने में आसानी होगी। ये लो। आप आज ही जा रहे हैं? आज ही नहीं, अभी जा रहा हूं। देखो बिरजू, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, इस संसार में कोई किसी को सदा के लिए याद नहीं रखता। पूनम भी एक दिन मुझे भूल जाएगी, भूल जाएगी, मेरी छाया उसके मन से मिट जाएगी। बस यही संतोष लेकर मैं जा रहा हूं। गुड बाय यंग मैन। गुड बाय मास्टर जी। गुड बाय।
हो क्या गया तुझे? अन बादाम घोट रहा था। बादाम? हाँ। क्यों? शरबत बनेगा शरबत। क्या बताऊँ रमेश बाबू, कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। बादाम का शरबत, फल का रस, बरेमी घी, चून परास, मकर ध्वज, अजी विटामिन की गोली, टानिक, सब कूट काट के घोल घाल के उनको पिलाते पिलाते मेरा तो दम निकलता है बाबा। किनको? अजी वही पूरो पेशर साहब को। मालूम नहीं क्या सनक चढ़ गई है, मालिश भी करना पड़ता है। हाथ से बस नहीं होता तो पैर से पकड़ के रगड़ना पड़ता है। लेकिन अब है कहाँ? ऊपर कविताएं पढ़ी जा रही है। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। प्रोफेसर, ये आपको चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। नाजुक सा फसाना है? प्रोफेसर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपके लिए पिल्स ले आता हूँ। ओह डैम योर पिल्स। तो फिर प्रोफेसर ये नाजुक सी निगाहें किसकी है? मत पूछो, वो एक तूफानी नदी है, अटकेलियां खाती हुई अपने ही चाल में मस्त। एक कली है जिस पर आज तक कोई भंवरा नहीं मंडलाया, शबनम का वो कतरा जिसको सुनहरी किरण ने भी नहीं चूमा। पहले मैं घबरा गया था लेकिन अब समझ गया कि वो कौन है। कौन? नेचर, फितरत। आप नेचर की तारीफ कर रहे थे। इडियट, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क? ओ नो प्रोफेसर। प्रोफेसर आप किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? तुम्हारा प्यार प्यार है और हमारा प्यार चक्कर है। रमेश, मुझे एक हसीना से इश्क हो गया, मासूम, कमसिन। कमसिन? उसकी उम्र क्या है? स्वीट 17, 17, सवा 17। 17? और आपकी उम्र? बदतमीज। देखिए प्रोफेसर, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आग और आग यानी कि वो और पानी यानी कि मैं। हाँ हाँ प्रोफेसर, वो लड़की आपको जरूर बेवकूफ बना रही होगी, आपसे कैसे कोई लड़की इश्क कर सकती है? तू क्या समझता है इश्क बच्चों का खेल है? मोहब्बत तो जैसे छोकरों की जागीर। जानता है दुनिया में सैकड़ों बल्कि हजारों नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जो तुझ जैसे अनाड़ी ना समझ और बेवकूफ आदमियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। वो मोहब्बत करती हैं तो मुझ जैसे संजीदा और समझदार लोगों से। मगर सुनो, ये राज किसी से कहना नहीं। क्यों प्रोफेसर? रमेश, मेरी बदकिस्मती यही है कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जहां मोहब्बत करने वालों की उम्र देखी जाती है, उनके बालों का रंग देखा जाता है, उनके दिल का रंग कोई नहीं देखता। बेस्ट ऑफ लक प्रोफेसर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दिल का हाल कैसे कह पाओगे? खामोश बदतमीज। आदाब अर्ज। पूनम, पूनम कहाँ चली गई? अपने आप हंसी जा रही हूँ, पागल। आप भी तो अपने आप से बातें
तुम नहीं जानती पूनम, हमें हमारी ही सूरत दिखा गया कोई, हंसी हंसी में ही पागल बना गया कोई। अय्या, आपको किसने पागल बना दिया? जिसके लिए ये फूल लाए। नहीं, ये फूल तो मेरे लिए है। अय्यो, तुम्हारे लिए ही लाए हैं, मगर हम अपने हाथ से लगाएंगे। तो लगा दीजिए ना चाचा जी। चाचा जी, आप बहुत अच्छे हैं चाचा जी। हम नहीं अच्छे हैं। क्यों? तुम हमको चाचा जी क्यों कहती रहती हो? ये लो, चाचा जी को चाचा जी ने कहूँ तो और क्या कहूँ? हम तुम्हारे असली चाचा हैं क्या? नकली। तो नकली चाचा को शहर में चाचा नहीं कहते? तो मेरा एक नाम भी तो है पूनम। हाँ, वो प्रोफेसर ब्रिजमोहन अग्निहोत्री। हाँ, मगर थोड़ा छोटा नहीं हो सकता? ब्रिजमोहन जरा और छोटा। बिरजू। हाँ बिरजू, ठीक है, थोड़ा और छोटा। नहीं, बस आज के लिए इतना ही काफी है। काफी है ना? तो चलो बाहर चलें। चलेंगे, मगर आज नहीं। क्यों? क्योंकि आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। कहिए। कहते हैं कि मैं इस दिल का कभी कायल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। ये भी कोई बात हुई? ये तो कविता है। कविता ही में तो बात है पूनम, तुम समझी नहीं, जरा फिर से समझो। कहते हैं कि राधा आ गई। चलो चलो नीचे चल के कहते हैं। हाँ, चली चली चली, जल्दी चलिए। आहिस्ता आहिस्ता, मर गया। आहिस्ता। उधर कहाँ जा रही हो? क्यों? अभी तुमने मेरी बात तो सुनी नहीं। बात? हाँ, इधर आओ जरा। कहिए ना। यहाँ बैठो। सुनो, कोई सुन तो नहीं रहा है? मैं सुन रही हूँ। बात यह है कि ये बात मैंने पहले कभी किसी कही नहीं, सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, मगर बात यह है कि ये बात मैं कह भी नहीं सकता। कोशिश कीजिए ना। कोशिश करके कह रहा हूँ कि तुम बहुत सुंदर लगती हो। बस यही कहना। नहीं नहीं, पूरी बात तो मैंने कही नहीं। पूरी बात यह है कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अयो रा, इतनी सी बात के लिए कभी इधर कभी उधर कभी यहाँ कभी वहाँ, मैं भी तो आपको प्यार करती हूँ। सच? हाँ चाचा जी। चाचा जी, तुम्हें कहा कि नकली चाचा को चाचा नहीं कहना? हम तो बिरजू चाचा को चाचा जी ही कहेंगे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। आप कुछ बकोगे भी या सारा दिन सोचते ही रहोगे? देखिए प्रोफेसर साहब, ये तो आप मानेंगे कि अच्छे संगीत के लिए अच्छे साज की जरूरत होती है। मानता हूँ। अच्छे गाने के लिए अच्छी आवाज की जरूरत होती है। ये भी मानता हूँ। वैसे ही मोहब्बत करने के लिए जवान होने की जरूरत होती है। ये भी मानता, ये नहीं मानता हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ प्रोफेसर साहब कि हर चीज का एक वक्त होता है और आपका वक्त निकल चुका है। पकड़ो मत, शागिर्द होकर उस्तादी दिखाते हो। मैं आया था अपनी उलझन लेकर, ये लगे लेक्चर झाड़ में। ओहो प्रोफेसर साहब, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। कहते हैं वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अच्छा तो बनाया तुम्हें बाप, बोलो। अब बोलूं क्या? आपने तो सब काम बिगाड़ कर रख दिया। क्यों? ये हुलिया देखा आपने? क्या है? मालूम होता है आप वहां मोहब्बत करने नहीं, गौशाला का चंदा मांगने गए थे। गौशाला? शट अप, मैं तुम्हारी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हूं। गुड बाय। दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां,
चेहरा पॉलिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम, ऐ टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। कर्तव्य नए नए फैशन के ढब नए नए, सीखो कर्तव्य नए नए फैशन के ढब नए नए, ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो टिपला मारो मंत्र टेटी बनकर, निकलो वक्त शाम बड़े मिया दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या जाए हमसे सुनो। ओ बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या जाए, यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। इस तन्हाई में ऐ हसीं इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों तुम हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा 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 आम। अब हंसती जाओगे फिर वही। ये क्या, रोज रोज एक नया रूप रंग के आते हैं, कभी मलमल की टोपी, कभी ये चटाई का टोपा, अपने लिए तो जब देखो अच्छी अच्छी चीजें खरीद के लाते हैं, और मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं लाते। इतने दिनों से कह रही हूँ बाजार ले जाइए, वहाँ भी नहीं ले जाते। पूनम कल जरूर ले जाऊंगा, मगर आज तुमसे एक जरूरी बात। अभी अच्छा अभी चलो फटफटी में बैठो। चंद्र जी, देखिएगा कितना बड़ा गांव है, यहाँ तो मेरा है, कितनी सारी गाड़ियाँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा, वहाँ से जाऊँगा।
होता है किसी का कैलेंडर उड़ के आ गया है। मुझे तो अजायब घर से भागी लगती है। ए, क्या कर रही हो? चलो बाहर, बाहर चलो। पूनम, क्या हो तुम मचा रखा है? चलो बाहर। चाचा जी, इतनी बड़ी गुड़िया। हाँ, बहुत बड़ी है। चलो बाहर। मुझे लेके दीजिए। पागल हो गई हूँ, ये बिक्री के लिए नहीं है। आओ। अच्छा, तो ये साड़ी? क्यों साहब, क्या हो रहा है? कुछ कुछ नहीं, साड़ी पसंद हो रही है। आओ पूनम, आओ, तो ये साड़ी लेकर लेनी है। आइए चलिए। पूनम, तुमने तो मेरा नाक में दम कर दिया। ज्यादा गड़बड़ की तो वो पुलिस वाला दिखाया था ना, पकड़ कर ले जाएगा। क्यों, मैंने क्या किया? ये जंगल नहीं है, शहर है, यहाँ आहिस्ता बोला करो। अच्छा, हाँ तो आहिस्ता बोलूंगी। चलो चलो, ये टोपा रख के आओ। चलो जी, फरमाइए। आहिस्ता बोलिए। कहिए, क्या बात है? क्या है? बच्चों की चूसनी। हेलो प्रोफेसर। हेलो गोयल। ये क्या हो गया तुम्हें? सार होलिया बदल गया है? ये टाइट फिटिंग सूट, मूछ गायब, बाल काले, आंखों में चमक, व्हाट इज दिस? ये देखिए। समझ गया समझ गया। वेल डन माय बॉय, वेल डन। बकअप बकअप। चाचा जी, ये क्या समझ गया? मेरा सर सुन गया, इसको क्या करूं, चूसू? ओफो, मुझे तो कहते हैं आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो, और खुद जब देखो चिल्लाते रहते हैं। शट अप। पार्सल प्लीज। यस प्लीज, थैंक यू। कम ऑन, आगे चलो। पीछे चलूं? छुप जाओ। क्यों? वो पुलिस वाला, जल्दी जल्दी। अरे रुमेश। हेलो। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, या कहाँ जा रहे हो? मैं तो रुमाल खरीदने जा रहा था। यहाँ से? अरे ये तो चोर लोग हैं, एक के चार चार लेते हैं। लेकिन प्रोफेसर, मैं तो हमेशा यहीं से खरीदता हूँ। अरे यही तो कहता हूँ कि यहाँ से हमेशा मत खरीदा करो। आओ मेरे साथ। लेकिन प्रोफेसर, ये तो जूते की दुकान है। अरे तो क्या हुआ, जूते देखो कितने गंदे। चलो यहाँ से जूते खरीद। यहाँ कैसे आ गई? देखा, तुम्हें ढूंढ लिया। अरे मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं जंगल भी गया था और वहाँ पर कोई नहीं था। बाबा कहाँ है? बाबा तो यहाँ मुझे शहर में चाचा जी के पास छोड़कर चले गए। तो फिर तुम आई किसके साथ? चाचा जी के साथ। चाचा जी, वो है कहाँ? गुम हो गए, पता नहीं कहाँ खो गए। चलो हम उसे ढूंढते हैं। आओ। रमेश, पहले ये बताओ, यहाँ आस पास कोई नदी है? नदी? नदी किस लिए? बहुत प्यास लगी है। पगली कहीं की, यहाँ नदी नहीं है, सागर है, सागर। आओ चलो। रमेश, ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, आओ। अच्छा, बैठो। तब तो मैं भी चलाऊंगी।
हाँ हाँ जरूर चलाना, पहले गाड़ी चलाना तो सीख जाओ और चुपचाप बैठो। ये तो बिल्कुल फीका है। मेरा तो बहुत मीठा है। मुझे दो ना। नहीं मिलेगा। दो! नहीं मिलेगा। अच्छा देता हूँ, चुप चुप चुप। पहले मुंह खोलो। हाँ ये लो पियो। और पियोगी? तुम भी पियो। बस और चाहिए। खत्म हो गया। अरे ठहरो ठहरो, पहले मुंह तो पोंछ लो। हेलो रमेश। ओ हेलो शेफाली, कैसी हो? अगर कहूं कि तुम्हारे बगैर अच्छी नहीं तो? Then you're a lost kid. तुम कभी ठीक नहीं हो सकती। रमेश जरा सुनो। एक्सक्यूज मी फोक्स। कहां लिए जा रही हो मुझे मैडम? इस जंगली के चक्कर में पड़ गए हो। Shut up. तुम अपनी फिक्र करो। अपनी फिक्र तो कर रही हूँ, मेरा क्या होगा? सुनो रमेश, एक्सक्यूज मी फोक्स। क्यों हार गई ना? मेरी बात मानो तो अब भी जीत हो सकती है। बहुत सुन चुकी हूँ। ट्रेनिंग आपने शिकागो में पाई है और प्रैक्टिस हिंदुस्तान में कर सकते हैं। हुजूर आपने प्रैक्टिस का मौका ही कब दिया है? केस मेरे हाथ में दीजिए, फिर देखिए क्या करता हूँ। ओहो शायद आप फीस के बारे में सोच रही हैं। चलिए आपके लिए फीस माफ। आइए मेरे साथ। बाबू बाबू पैसा। ओहो मैं तो पैसे देने भूल ही गया। ये लो रख लो। अरे अरे पूनम, पूनम कहाँ जा रही हो तुम? पूनम देख 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 पूनम 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 देख देख पहचान गई मुझे शेफ डार्लिंग। ये नशीली घड़ियां, ये खूबसूरत रातें, अच्छे आदमियों के हाँ नहीं मिलती। मेरी जान अगर हम भी अच्छे हो जाएं, तो ये लुत्फ ये मजे कौन लेगा जिंदगी से? क्या ये रात रमेश दे सकता तुम्हें? लेकिन मदन रमेश से शादी मैं करूंगी, वो नहीं, वो जंगली नर। ओह श्योर श्योर श्योर। रमेश तो क्या उसका बाप भी तुमसे शादी करेगा? नहीं बाप नहीं रमेश,
हाँ हाँ रमेश, रमेश से ही होगी तुम्हारी शादी। मालिक, अरे गई तो मेरे साथ थी मगर आई मेरे साथ क्यों नहीं, जाओ ढूंढो उसको। अच्छा मालिक, गई तो आप ही के साथ थी मालिक। बाय बाय पूनम। कहाँ मिला था तुमको? कौन? ये जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया। ओ ये? हाँ ये। ये तो मुझे वहाँ मिला था जंगल में। जंगल में? शहर में कौन से जंगल होते हैं? ओफो, आप तो कभी कोई बात समझते ही नहीं ना। वो वहाँ जंगल में जब मैं वहाँ रहती थी, आज बाजार में फिर मिल गया। हा? आज मैंने मोटर कार भी चलाई, पता है? किनारे भी गए, वहां पता है क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं बताती। पूनम बताओ क्या किया था? देखा, मुझे पता था हम गुस्सा करेंगे। नहीं गुस्सा करूंगा। कर जो रहे हैं, बताऊंगी तो और डांटेंगे। अरे नहीं डांटूंगा, नहीं गुस्सा करूंगा, बताओ मेरे को। लो अब रोना शुरू कर दिया। अरे बाबा बताओ क्या किया था? दही बड़े खाए थे। दही बड़े? अरे तुम तो छुपाने की क्या बात थी? मैं कब छुपा रही थी? आपने जो मुझे यूं करके देखा, मैं डर गई। पगली, मगर तुम बहुत बच गई हो आज। क्यों? अरे ये गुंडा है, एक नंबर का गुंडा। नहीं तो, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। तुम बहुत भोली हो पूनम, नहीं समझती हो। अब क्या है तो भगा देना। न जाए तो गाली देना, पत्थर मारना। सर फूट जाए तो? अरे फूटने दो, ये लोग बहुत बुरे होते हैं। पहले अच्छे लगते हैं, फिर नजदीक आते हैं और फिर मौका देखकर छुरा मारते। सच? बिल्कुल सच, समझ गई ना? अय्या। ये क्या हो गया तुम्हें? बात बताना। हाँ। क्यों? गुंडा। गुंडा कौन? तुम गुंडा। मैं गुंडा? हाँ, मुझे सब पता है। पहले तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता पास आते हो और फिर चाकू घोप देते हो। मेरे पास मत आना। हाँ। पूनम तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मेरे पास कोई छुरा बुरा नहीं है, सिर्फ एक दिल है जिसमें तुम्हारे लिए प्यार है। क्यों विश्वास नहीं करती हो? लो देख लो, देखो कुछ नहीं है। मेरे पास मत आना, तुम्हारे पास छुरा है। अरे बुद्धू, ये है कलम, फाउंटेन पेन, इससे लिखते हैं। अब बताओ क्या हुआ? कांटा चुप गया। पता ये कांटा क्यों चुभा? इसलिए कि तुमने उसका दिल दुखाया जो तुम्हें प्यार करता है। मैंने क्या किया? तुमने मुझे गुंडा नहीं कहा? हाँ? वैसे तो मैं जानती थी कि तुम गुंडे नहीं हो, लेकिन वो चाचा जी है ना, उन्होंने मुझे डरा दिया। चाचा जी? पगली कहीं? आ
ये देखो कितना छोटा काटा है, देखो अय्या। पगली इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे हाँ, तब तो शादी होनी चाहिए। चलो। कहाँ? शादी करने। ओफ, शादी ऐसे थोड़ी होती है। पहले मैं तुम्हें माँ से मिलवाऊंगा, माँ तुम्हें देखेंगी, पसंद करेंगी और फिर शादी। अच्छा चलो तो तुम्हारी माँ से मिल लेती हूँ। अरे अभी? हाँ अभी। 5 बजे हैं, 6 बजे पापा आएंगे। अच्छा चलो चलो, लेकिन रमेश पहले मैं चाचा जी को एक चिट्ठी लिख देती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ से मिलने जा रही हूँ।
हाँ चलो चलो। आप क्या बात है? वो है ना, वो फिर आ गया। कौन आ गया? वो ही गुंडा रमेश। मारू, भगा दो, भगा दो, भगा दो। अच्छा अभी ठहरी। बालक, क्या हाल है तुम्हारी बालिका का? मत पूछिए प्रोफेसर, उस बूढ़े ने बड़ा बोर कर रखा है। आज गया तो लड़की से पत्थर पड़वा दिए, वो तो घर की चीजें उठा उठा कर। देखो रमेश, ये तो मानोगे कि अच्छे गाने के लिए अच्छी आवाज की जरूरत होती है। क्या मतलब? और अच्छे संगीत के लिए अच्छे साज की जरूरत होती है जी। इसी तरह मोहब्बत करने के लिए रियाज की जरूरत होती है। जी हाँ, कल तक तो आप मुझसे मशवरा लिया करते थे, लेकिन आज ऐसे बोल रहे हैं जैसे इश्क में आपने ये बाल सफेद किए हैं। बरखुरदार, हमने इश्क में बाल सफेद नहीं, काले किए हैं। देखो मेरे अजीज, तुम उस लड़की का ख्याल छोड़ दो, वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। वो मुझसे मोहब्बत करती है प्रोफेसर। पत्थर मारना मोहब्बत है क्या? अरे वो तो उस बुढ़े को दिखाने के लिए। क्या मतलब? हाँ प्रोफेसर, एक भी चीज निशाने पे नहीं मारी, उल्टा क्या किया मालूम है? क्या किया? फूलदान में चिट्ठी डालकर फेंकी। रमेश भाग जाओ, चाचा जी आ गए, कल मिलना। पूनम, पूनम की बच्ची, क्या कहा? अब क्या सोचा? मैं मतलब अब क्या सोचा? सोचना क्या प्रोफेसर, सीधा उस कमबख्त बुढ़े के पास जाऊंगा। अगर माना तो ठीक है, नहीं माना तो लड़की को ऐसे उठा कर ले जाऊंगा। देखो रमेश, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरा मतलब है कि वो बुढ़ा, बुढ़ा क्यों, वो चाचा, चाचा कहेगा, मेरा मतलब जो भी है वो तुम्हें जान से मार डालेगा। इश्क में जान की कौन परवाह करता है प्रोफेसर, आज रात देखिए क्या करता है। देखो रमेश, मैं फिर तुमसे कह देता हूँ, ये बात ठीक नहीं है। सब ठीक हो जाएगा प्रोफेसर, ठीक है बच्चू, मैं तो हूं। अंदर कहाँ जा रहे थे? जी मैं आप ही से मिलने आया था। जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। मैं सब जानता हूँ तुम्हें क्या जरूरी बात करनी है, तुम्हारा नाम रमेश है। जी पूनम से मिलने आए हो? जी जी हाँ। पूनम से शादी करना चाहते हो? अरे आप तो जोशी मालूम होते हैं। जी जी इसलिए आया था। अपनी सूरत आईने में देखी है? जी हाँ। जी बदमाश लोफर। जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं शरीफ घराना से ताल्लुक रखता हूँ। घराना शरीफ हो सकता है, तुम शरीफ नहीं हो सकते। अपना हुलिया देखा है? हुलिया? ऐसा लगता है कि किसी चिड़ियाघर से चले आ रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
क्या आप ही पूनम के चाचा हैं? मैं नहीं हूं तो क्या तुम पूनम के चाचा हो? आप बड़े सनकी किस्म के आदमी मालूम होते हैं। बात करने की तमीज नहीं है आपको? क्या कहा? मुझे बात करने की तमीज नहीं, मुझे तमीज सिखाता है बदमाश कमीने। निकल जाए यहाँ से। मैं आपके बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो ये दाढ़ी मूछ आपका नो। मधुआ माली। बस बस, चीखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ। छोटे मियाँ दीवाने, ऐसे न बनो। ओ पूनम के चाचा, मेरे जाने का ये मतलब मत समझना कि मैं तुमसे डर कर जा रहा हूँ। मैं फिर आऊंगा। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। और अब के जब आऊंगा तो बैंड बाजे के साथ आऊंगा। दूर रहो। तुम? भाग आई वहां से। नहीं बाबा, मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, चाचा जी बहुत डांटते हैं। लेकिन तुमने चाचा जी से पूछा कि नहीं कि तुम यहाँ यहाँ आ रही हो? बुद्धू, अगर पूछती तो आने थोड़ी देते। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाने वाली। लेकिन पूनम, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? क्यों, इतना बड़ा घर जो है, और फिर तुमने कहा नहीं था कि माँ जी से मिलाओगे? कहा था, लेकिन इस वक्त क्या हुआ? पैर में से कुछ निकल गया। नहीं, आज तक बोलूंगी। सब सो रहे हैं, जाग जाएंगे। आओ मेरे साथ। देखो पूनम, आज रात को तुम यहीं सो जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह माँ से मिलवा दूंगा, वो सब ठीक कर लेंगी। क्या ठीक कर लेंगी? अरे वो पिताजी हैं। उनको ठीक करना है क्या? हाँ। नहीं नहीं, आओ आओ सो जाओ। पर तुम कहाँ सोगे? मैं ऊपर अपने कमरे में सो जाऊंगा, तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा ना? नारे, और तुम, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम भी यहीं सो जाओ। नहीं नहीं, तुम सो जाओ। अच्छा मैं जाऊं? होगी और मैं यहाँ, इतना बड़ा बिस्तर जो है, हम दोनों सो सकते हैं। बड़ी भोली हो तुम पूनम, कल सुबह क्या होगा पता है? क्या होगा? कल सुबह अगर माने आकर देख लिया कि एक अनजानी लड़की इस बिस्तर पर सो रही है तो हैरान नहीं होगी? अरे हाँ, बहुत हैरान होगी। ये कहां से आ गई? अच्छा पूनम, अगर माने तुमसे पूछा तो तुम जवाब क्या दोगी? तुम ही जवाब दे देना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। क्या कहोगे तुम? मैं कहूंगा हम प्यार करते हैं और शादी करेंगे। मैं तो भूल ही गई, हम शादी कब करेंगे रे? पहले पिताजी तो मान जाएं, अगर नहीं मानेंगे तो शादी वादी कुछ नहीं होगी, उल्टा गुस्से होगा तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। हम
हम घर से नहीं निकलेंगे, हम शादी करेंगे, हम प्यार जो करते हैं। पगली कहीं की, मैंने तो यूं ही कह दिया था। चलो सो जाओ। तुम इस दुनिया की नहीं हो। जूते उठाने के लिए भी नारायण, जूते खाने के लिए भी नारायण। लो अभी भी सो रहे हैं, उठो रहे हो सैया, साहब की डांट पड़ी तो मेरी भी डांट बजने लगेगी। नारायण 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 माजी माजी। क्या है नारायण? ये मैंने क्या देखा रे बाबा? क्या? परी। परी? हाँ, भैया के बिस्तर पर। क्या बक रहा था? बक नहीं रहा हूँ माँ जी, आप चलिए खुद चित्तर का मियाँ खुद से देख लीजिए। कौन है ये? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, कौन है ये? रमेश कहाँ है? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, कहाँ है वो? बहुत सुंदर है नारायण। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत सुंदर है नारायण। लेकिन ये आई कहाँ से? रमेश भैया नहीं लाया माँ जी, मेरे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। कहीं हमें भी ऐसी ही एक बहू मिल जाए तो? तब तो रमेश भैया ही ले आए हैं माँ जी। माँ, अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। देखा ना, मैं जानती थी आप मुझे पहचान लेंगी। लेकिन मैंने तो नहीं पहचाना, कौन हो तुम? अभी बेटी जो कहा, पहचाना कैसे नहीं? नमस्ते नारायण भैया। जीती रहो, गरम गरम जीती रहो। मेरा मतलब है गरम गरम चाय पियो बेटी। मैं चाय नहीं पीती। और फिर अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया, पूजा तक नहीं की। तुम यहाँ स्नान कर लो ना। माई अपने कपड़े नहीं लाए, इसे अपने एक साड़ी दे दो ना माँ। चलो चलो, पहले स्नान फिर पूजा फिर कुछ और। चलो नारायण सर, इसे माँ जी के कमरे तक पहुँचा देना जल्दी। चल ना वो कल रात को मैं मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? कौन ये? पूनम है ना, पूनम। यहाँ क्यों लाया इसे? मैंने सोचा माँ के घर में अकेले तुम्हारा जी नहीं लगता, और पिताजी भी ऑफिस चले जाते हैं, मैं भी बिजनेस में कुछ बिजी हूँ। सोचा कि एक अच्छी सी बहू ले आऊं तुम्हारे लिए। अच्छी है ना माँ? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत अच्छी है माँ, शी इज मार्वेलस। सीना परोना हंसना रोना सब जानती है। तुम्हारे सारे काम कर देगी, कपड़े पका देगी, रोटी बना देगी, आटा सी देगी। अरे आटे वाटे सीने की जरूरत नहीं है। मुझे ये पता, तेरे पापा को मना लेगी ना? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माँ। माँ देखो ना, मैंने इतना बड़ा काम किया, तुम इतना सा भी नहीं कर सकती हो। प्लीज माँ, पापा को तुम ही मना लो माँ। वाह, बड़ा शुभ समाचार है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारा बेटा जवान हो गया, अपनी पसंद की लड़की लेकर आया है। मैं पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है इस घर में? इसमें कमाल कौन? मैं तुम्हारा बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? अभी कहाँ हो? अच्छा जरा सुनिए, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें निकाल दूंगा। क्या हर वक्त यही पागल पागल?
जीती रहो बेटे, जीती रहो। जाओ पहले पिताजी को प्रणाम कर दो। तू फिक्र नहीं कर। बेटी, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ, जीती रहो, जीती रहो। ऐसा लगता है मुझे मेरे बाबा मिल गए। बेटी, अब तक तू कहाँ थी? क्या नाम है तुम्हारा? पूनम पापा, पूनम। कौन हो तुम? आपका बेटा। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? देखा, देखा तुमने, देखा? इसे क्या देखूं? ये तो जब से पैदा हुआ तब से देख रही हूं। अब इसका क्या करूं? इसे रख लो और इस नालायक को घर से निकाल। चल अब तू तो निकल। चल। अरे 9:30 बज गए। मालूम है, आज से तुम जाओ दफ्तर। अब हाँ रमेश, आज तुम अकेले दफ्तर जाओ। माँ तुम भी? अरे उसमें क्या है, अच्छा है, जाओ। रमेश भैया, गाड़ी तैयार है। गाड़ी तैयार है, चलो। Hi, Shifu, darling. Welcome, welcome, welcome. Madan. मैं बहुत जरूरी काम से। मेरी जान, तुम काम से आओ या बगैर काम के, सरांग लो, थोड़ी सी पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। डार्लिंग, अमृत है अमृत। मदन मजाक छोड़, तुम जानते हो मैं क्यों आई हूँ? हाँ, जानता हूँ, मुक्ते मदन से मिलने आई हूँ। हाँ, मदन से शादी करने। क्यों भाई? मदन बेचारे से कौन सी ऐसी भूल हुई? भूल मेरी ही सही, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय ग्रेट, ओह डियर 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 डियर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो सारे मसले हल हो गए, मुझे तुम मिल गई, तुम्हें बच्चा मिल गया और बच्चे को बाप मिल गया। थैंक यू वेरी मच मदर। लो फिर आज इसी खुशी में थोड़ी सी पी लो, बेहतरीन शराब है, न बू न खुशबू, न होश न बेहोशी। नहीं मदर, मैं नहीं पीऊंगी, इसी भूल के कारण तो आज मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। डार्लिंग, अगर ये भूल ना होती तो तुम्हें रमेश कैसे मिलता? रमेश? क्या मदन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन रही हूँ, तुम्हारा बच्चा है वो, तुम जानते हो वो तुम्हारा है। वो तो हमारे आपस की बात है ना, ये सब रमेश को बताने की क्या जरूरत है? लेकिन अब मैं रमेश से शादी नहीं करूंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बड़ा जुल्म कर रही हो मुझ पर। मेरा नहीं तो कम से कम उन कुंवारियों का ख्याल करो, जो एक मेरी शादी हो जाने से सब की सब बेवा हो जाएंगे। तुम कितने जलील हो। जलील? तुमने और तुम्हारी जैसी बहुत सी इज्जतदार लड़कियों ने अपनी इज्जत दे देकर मुझे जलील बना दिया। अब इसमें बेचारे मदन का क्या कसूर है? नहीं मदन, मैं नहीं पीऊंगी, इसी भूल के कारण तो आज मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। डालिंग, ये भूल ना, परसों तक चाहो तो फिल्म भी देख सकती हो। बाय द वे, हमारी पहली मुलाकात की फिल्म तैयार है, देखोगी? ये शर्म कुत्ते। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तकिया कलाम है, इसलिए बुरा नहीं मानता। तुमसे शादी करके तो कहीं डूब कर मर जाऊं तो अच्छा है। सुनो तो, सोच लो, डूब कर मरने से या कोठे पर बैठने से रमेश का घर कहीं बेहतर है।
तुम चाहो तो अब भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस बहुत हो चुका। पगली लड़की। मैं पूछ रहा हूं वो कहां है? मेरे घर में। मैं उसे उस बुड्ढे के चुंगल से छुड़ा कर लाया हूं। नालायक, एक कमसिन कवारी लड़की को भगा ले जाने से जानता क्या होगा? शादी हो गई? अभी नहीं प्रोफेसर। पापा कहते हैं शादी बाद में, पहले उसके चाचा को बुला के ले आओ। आप ही बताइए प्रोफेसर, उस हुर्राट चाचा को लाऊं कैसे? वो मारा, आसमान से गिरा तो खजूर में, और खजूर से गिरा तो मेरे चरणों में। चलो। कहां? तुम्हारे घर। मुझे पूनम का चाचा बनाकर अपने घर ले चलो। ठीक? ठीक प्रोफेसर, ठीक। और उसके बाद पूनम को मेरे साथ रवाना कर देना। ठीक? ठीक। और उसके बाद तुम यहां से दफा हो जाना। ठीक? ठीक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं प्रोफेसर। अरे भाई, बहन बाजे के इंतजाम के लिए। ठीक? ठीक प्रोफेसर, ठीक। बस फिर चाचा गायब, और शादी के मंडप में एक दूल्हा बैठा होगा सिरह बांधकर। यानी मैं हो। थैंक यू प्रोफेसर। ये मैं कौन? मैं मतलब ये कि पूनम को तुम मेरे घर से उड़ा कर ले गए हो, और जिसे आज तक तुम बुड्ढा खड़ूस कमीना कसाई कहते रहे, वो मैं हूं। मैं दिस यंग मैन ऑफ 45, यस 45 साल का बालक जवान मर्द। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? मैं ठीक कह रहा हूं। पूनम से अगर कोई शादी करेगा तो मैं करूंगा, प्रोफेसर ब्रिजमोहन अग्निहोत्री। तो आप ही हैं पूनम के चाचा? चाचा नहीं, होने वाला पति। आप पागल हो रहे प्रोफेसर साहब? बरखुरदार, मैं पागल नहीं हो रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि पूनम को यहाँ ले आओ। पूनम यहाँ नहीं आ सकती। आप समझते हैं कि आप जैसे बूढ़े के पल्ले बांध कर मैं उस बेचारी की जिंदगी खराब करूंगा? वो आप ही थे ना जो कल तक शादी के खिलाफ इतने बड़े बड़े लेक्चर झाड़ा करते थे। झाड़ा करता था। और आज सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना चाहते हैं। होना चाहता हूं। और आज मूछ मुंडाकर जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो,
कौन थे ये लोग? पता नहीं। रमेश, तुमने मुझे बचा लिया। क्या हुआ? What's happened? खून। मुझे पानी। पानी मिलेगा? पानी। चलो नदी के होटल है। आओ मेरे साथ। Come on, come on, come on। शाबाश, शाबाश। चलो मेरे साथ। चलो, चलो। ये लो, ले लो, ले लो, घबराओ नहीं। सुना, ले। लो, पी लो, पी लो। ठहरो, ठहरो, जरा ठहरो। लोके? क्या? लाल परी, एक्सक्यूज मी यंग लेडी, बाय गॉड जब शाम पड़ती है तो मेरी प्यास जरा बढ़ने लगती है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। कम ऑन, कम ऑन, लिटिल लिटिल। जी नहीं, मैंने भी। डोंट यू बिलीव हिम, बाय गॉड तुमसे छुप कर पीता होगा। व्हाट अ फाइन थिंग। क्या हुआ शिवाली? मुझे पता नहीं चक्कर क्यों आ रहा है। चक्कर? By God, पी मैंने है और चक्कर इनको आ रहा है। क्या हुआ? बढ़ से, बढ़ से। आओ, आओ। बेहोश होने लगे। By God, चलो इनको अंदर ले चलो। Come on, come on, ले चलो अंदर। शाबाश। Come on, अंदर ले चलो। Come in, come in। ले आइए, ले आइए। वो बेड पर ले चलिए। हाँ, यह। बस, बस, बस। थोड़ी देर आराम करने दीजिए भाई गॉड, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तुमको क्या हुआ? समझ में नहीं आता कि मुझे भी क्यों चक्कर आ रहा है। क्या हुआ? भाई गॉड, पागल की तरह बात कर रही हो? क्या समझती हो तुम मुझे? तुम मर्द हो ना, एक लड़की की मजबूरी तुम क्या जानोगे? अब तुम रोती रहोगी या चलोगी भी? बत्ती बुझा दो। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो राम, जुलम भयो रे। क्या हो रहा है? अरे उदास क्यों हो रमेश भैया, वो तो कह गए हैं ठीक होती शहनाइयां बजवा देंगे। कौन कह गए? अरे पूनम के चाचा। और कौन? पूनम के चाचा? हाँ, पूनम कहा है? तो भला उस बेचारे पे क्यों बिगड़ता है? पूनम के चाचा बहुत बीमार है, इसलिए उसे आकर ले गए। तू भी जरा जाकर नहीं देखे? अभी देखता हूँ। अरे कुछ खा के तो जा रमेश। माँ जी, भैया की शादी जरा जल्दी कर दीजिए। रमेश, ओ रमेश, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो तुम्हें चाचा जी से मिलाओ। मैं तुम्हारे चाचा जी से मिल चुका हूँ, चलो घर चलो। क्यों? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन रमेश, चाचा जी बहुत बीमार हैं। पूनम, पूनम तुम सचमुच भोली हो,
मैं तुम्हारे चाचा जी को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो कुछ बीमार बीमार नहीं है। यही तो तुम जानते नहीं, उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। दिल है कहाँ जो दौरा पड़ेगा। हाँ है सच, चलो तुम खुद ही देख लो। देखने की जरूरत नहीं है पूनम, ये सब एक ढोंग है, तुम्हें यहाँ रोक के रखने का एक बहाना है। हाँ, ताकि तुम उससे मिल ना सको। अच्छा, ताकि तुम उसके साथ रहो। अच्छा पूनम, कहाँ चले जाती हो पूनम? देखो फिर से चक्कर आ गए। आपको अकेले इस हालत में नहीं उतरना चाहिए था। ठीक कहती हो। चलो। आओ रमेश, आओ मेरे शागिर्द। अच्छा हुआ तुम आ गए, सब कुछ अपने आंखों से देख लो, अच्छी तरह से देख लो। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा। मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े पाखंडी हैं। पाली, 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 पाखंडी। तुम बगैर इजाजत मेरे घर में क्यों घुस के आए? आप क्यों पूनम को मेरे घर से यहाँ भगा कर लाए हैं? और तुमने क्या किया था? तुम भी तो उसे भगा कर ले गए थे। देखिए प्रोफेसर, अगर आपने सीधी तरह पूनम को मेरे साथ नहीं भेजा तो जानते हैं मैं उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जा सकता हूँ। कौन सा कर रहा हूँ? पूनम मेरी है, पूनम मेरी है। ये ओ, ओ, तुमने खामोखा मुझे खड़ा करने की कोशिश की, दिल का दर्द फिर से शुरू हो गया है। तुमने इनको क्यों खड़ा होने दिया? जी आप ये पी लीजिए। पूनम तुम कितनी अच्छी हो, तुम ना होती तो मैं कब का चल बता होता। ओ, दिल का दर्द सर को जड़ता जा रहा है। लाइए मैं दबा। दबा दो, दबा दो, दबा दो, दबा दो। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मुझे मालूम नहीं था कि आपकी तबीयत इतनी खराब है। हटो पूनम, मैं इनका सर दबा देता। नहीं नहीं पूनम ठीक है। प्रोफेसर हाँ? मैं आपका शागिर्द हूँ हाँ? ये सेवा तो मैं ही कर सकता हूँ। राम कैसा लग रहा है प्रोफेसर? पूनम क्या हुआ? इनकी हालत खराब हो रही है पूनम, तुम ऊपर से दवाई ले आओ जल्दी। मैं भी ला रही हूं। जल्दी। प्रोफेसर आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बीमारी के बहाने आप समझते इस भोली भाली लड़की का दिल जीत लेंगे। आपके शायरी के दिन चले गए हैं प्रोफेसर। बही खाता लेकर इन सफेद बालों का हिसाब कीजिए, आईना लेकर इस मुरझाए हुए थोबड़े की झुरियां गिनिए। आप बूढ़े हो गए प्रोफेसर, बिल्कुल बूढ़े। जवानी आपसे नफरत करेगी। क्या हालत और बिगड़ गई? कुछ नहीं पूनम, मैं जरा इनकी आंखों का रंग देख रहा था। लीजिए दवा। रमेश भैया अब तुम जाओ, डॉक्टर ने ज्यादा आदमियों से मिलना मना किया हुआ है। प्रोफेसर साहब मैं ऐसी हालत में आपको कैसे छोड़ सकता? नहीं नहीं रमेश, अब तुम चले जाओ, नहीं तो बातें ही करते रहोगे। मैं इसे कैसे? तुम्हें क्या हो गया? चलो ना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रमेश भैया दोस्ती मत भूलना, कभी कभी आ जाया करो मिलने, यही 15-20 रोज में एक बार। जरूर आऊंगा प्रोफेसर, आपका शागिर्द आपको कभी नहीं भूलेगा। ओफो जाओ ना। Thank you.
उसे कुछ गिला नहीं। क्या करूं वो हंस के यूं बुलाए है के हो, 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 इस लड़की के लिए मैंने अपनी खानदानी मूछें मंडवा दी, अपने बालों की बुजुर्गी पर स्याही फेर दी, ये चुस्त पतलून पहनकर तंदूरी मुर्गे की तरह घूमता रहा, और ये है कि दूसरों के साथ कहो बड़े मियां। चड़प, शर्म नहीं आती? बाबा कितने यकीन और भरोसे के साथ पूनम को तुम्हारे पास छोड़कर गए थे, और तुम? मैंने क्या किया है? ये लड़की तुम्हें चाचा समझती है और तुम इससे शादी करना चाहते हो? अच्छा अच्छा, लेक्चर मत दो। आई एम सॉरी। जाओ, माफी मांगो। चाचा जी, आपकी तबीयत तो अच्छी नहीं थी, आप यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारी तबीयत खराब करने के लिए। अब कौन सी चाल सोच के आए हैं प्रोफेसर? वो चाल जिससे बच न सकोगे बरखुरदार। जरा मैं भी तो सुनूं, वो कौन सी चाल है? बहुत मामूली, मैं पूनम की शादी कर रहा हूँ। पूनम की शादी नहीं हो सकती। उसकी शादी होकर रहेगी। उसकी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें करनी होगी। मैं नहीं करूंगा। नहीं करो? क्या कहा? पूनम की शादी किससे होगी? एक कमबख्त नालायक बुड्ढे खोसट के शागिर्द के साथ। यानी के मैं? तो यानी मैं? चलो पूनम, गाड़ी में बैठो। चलो तुम गाड़ी में हैंडल लगाओ। प्रोफेसर, रमेश जी। जी बाबा। ये कार्ड लिफाफे में डाल दे, शादी तेरी है मेरी नहीं। बैठ। नारायण जी, इधर आ। ये कार्ड लिफाफे में डाल दे, शादी मेरी है तेरी नहीं। चल।
कौन? शेफाली? रमेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर के लिए आ सको तो? क्या काम है बताओ ना। नहीं नहीं, मैं फोन पे नहीं कह सकती। लेकिन मैं आ नहीं सकता अभी, मैं तो मैं आ जाती हूँ। नहीं नहीं मत आओ, मैं ही आ जाता हूँ। बताओ कहाँ पर हो तुम? क्लब में, जल्दी आना। गुड। इम्पॉसिबल, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझती हो कि मैं नहीं? ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास। रमेश, भगवान करे कुछ भी ना हो, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं अकेले नहीं जा सकती। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें क्या डॉक्टर के पास ले जाऊं? रमेश, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा कसूर मेरा है क्योंकि मैं लड़की हूं। मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम मर्द हो ना, इसलिए ये कहकर बच सकते हो, लेकिन याद रखना अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तब तो चैन मिलेगा तुम्हें। कांग्रेचुलेशन यंग मैन, तुम्हारा शक सही, वो मां बनने वाली। मां? क्या बात है, तुम्हारी शादी नहीं हुई? देखो आई एम लाइक योर फादर, तुम अच्छे घर के लगते हो। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो जल्दी से शादी कर डालो, देर करना ठीक नहीं। It's all right. It's all right. Thank you. तुम्हारा क्या? तुम मर्द हो ना? तुम एक लड़की की मजबूरी क्या समझ सकते हो? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो जल्दी से शादी कर लो, देर करना ठीक नहीं। याद रखना, तेरी शादी का हवन होगा तो मेरी चिता की आंख से खबरदार, मुझे माँ कहा तो। तू मेरा बेटा नहीं है, उस चुड़ैल शेफाली से ही शादी करनी थी तो। शेफाली? शेफाली इतनी बुरी नहीं माँ। नहीं, बहुत अच्छी है, देवी, साक्षात देवी, इतनी अच्छी लगती है तो उठा ले उसे अपने सर पर और नाचता फिर सारे शहर में, लेकिन उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही?
रास्ता बोलो, क्या किया इसने? पूछिए आपने लाडले से। क्या हुआ बेटा? बोल, चुप क्यों है? कहता क्यों नहीं तू कितना नीच बेशरम और पाखंडी है? अरे कुछ पूछने भी दोगे या चिल्लाती रहोगी? पूछने को रहा ही क्या है? अब आपका बेटा शेफाली से शादी करना चाहता है। रमेश बेटा आ तुम्हें साथ। देख बेटा तू बिल्कुल मत घबरा, बिल्कुल मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं जो तेरे साथ हूं। बोल क्या बात है? देख बेटा, जो लड़की इस घर में आएगी वो तेरी बीवी नहीं होगी बल्कि हम सबकी बहू भी होगी, सारे खानदान की बहू। नारायण का भी उस पर कुछ अधिकार होगा। बेटा पूनम, पूनम हम सबको बहुत अच्छी लगती है और तुझे तो हम सबसे ज्यादा। फिर अचानक तुझे क्या सूझी? बोल। मैं मजबूर हूं पापा। मजबूर? रमेश कोई तुझे डरा तो नहीं रहा? कोई धमका तो नहीं रहा? बता, मैं से गोली मार दूंगा। पापा बता बेटा, बता। मैं बोलो बेटा, बोलो। तू समझता है मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा, तुझ पर चिल्लाऊंगा? अरे ये तो मेरी आदत है। रमेश तू मेरा अच्छा बेटा है ना? अच्छा बेटा है ना? पापा रमेश, रमेश बेटा शिफाली से शादी न करना, नहीं तो हम दोनों का ये छोटा सा संसार उजड़ जाएगा, हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। पापा अब मेरे लिए कोई चारा नहीं, मैं वही कर रहा हूं जो आपके बेटे को करना चाहिए। आ? आ? मत रो रमेश की मां, बहू उन्हीं के घर आती है जिनका कोई बेटा होता है। चुप हो जा, मत रो। चाचा जी वो तो वहां अंदर बैठकर बर्तन गिन रहे हैं, लोटा कटोरी थाली धनिया हल्दी मिर्च सब कुछ। जानते हो चाचा जी क्या कहते हैं? कहते हैं ये कोई अंग्रेजी हनीमून वनीमून तो है नहीं, हिंदुस्तानी घर गृहस्थी की तैयारी है। अरे बड़ा मजा आएगा, हम लोग घर गृहस्थी करेंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे क्या कहना है? वो तुम शिफाली को जानती हो ना? अरे हाँ, वो शिफाली ना, एक्सक्यूज मी फॉक्स वाली, क्या हुआ उसको? वो मुझसे शादी करना चाहती है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज ही मंदिर में ठाकुर जी से कह के आई हूँ कि हमारी शादी होने वाली। लेकिन पूनम मैं नहीं 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 हमारी शादी होगी, हम प्यार जो करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम झूठ भी बोलते हो? जरा मेरी तरफ देखकर बोलो तो जानू। देखा ना, पकड़ लिया। जरा सुनो तो सही, तुम्हारा दिल क्या कहता है? पूनम 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 पूनम। मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
तुमने ये भी सोचा है कि पूनम का क्या होगा? मुझे मुझे नहीं मालूम प्रोफेसर। ओह, तुम इतनी जल्दी भूल गए कि तुमने हंसना सीखा है तो उसके अंदरपन से, शराफत सीखी है तो उसकी पवित्रता से, और जीना सीखा है तो उसके सपने देख देख कर। नहीं भूला हूं प्रोफेसर, नहीं भूला हूं। तो फिर कल तक उसे नई जिंदगी के सपने क्यों दिखाते रहे? बोलो, क्या मिलेगा तुम्हें उस भोली भाली लड़की के दिल तोड़कर? वो नेक है, खूबसूरत है, उसे एक से एक अच्छा वर मिल जाएगा। मगर वो तुम्हें मोहब्बत करती है रमेश, सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे सिवाय किसी से शादी नहीं करेगी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता प्रोफेसर, मोहब्बत करने का ये तो मतलब नहीं कि मुझे उससे शादी ही करनी पड़े। रमेश! नहीं चाहती जी। प्रोफेसर साहब, दीवाने का ये इलाज तो नहीं कि उसे पत्थर मारा जाए। मुझे माफ कर दो पूनम, मुझे माफ कर दो। इसमें माफी की क्या बात है? तुमने प्रेम किया है, कोई पाप तो नहीं? तुमने पहले क्यों नहीं कह दिया कि तुम मुझसे नहीं शिफाली से शादी करना चाहते हो? बेकार में इतने दिन दुख सहते रहे। मैं क्या कह सकता हूँ पूनम, बस यही कि मैं बहुत बुरा हूँ, बदल गया हूँ और तुम्हारे काबिल नहीं रहा। ऐसे नहीं कहते रमेश। समझ में नहीं आता पूनम कि अब तुम्हारा क्या होगा। मेरी चिंता मत करो, बाबा कहते थे भगवान किसी को निराश नहीं करते, और मुझे विश्वास है कि वो मुझे भी निराश नहीं करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि तुम शिफाली के साथ सुखी रहो। मैं तो तुम्हारे सुख को अपना सुख समझकर भी जी लूंगी। क्या है और क्या नहीं है ये मैं जानता हूं। किसका मुंह दिखाने के लिए तुझे बत्तियां चाहिए? साहब, भैया की शादी नहीं होगी, इस घर में तो कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन बाहर वाले तो चुप नहीं बैठते। वो क्या क्या बातें करेंगे इसके बारे में, किसी ने कुछ सोचा? लोग कहेंगे तो हमें कहेंगे। तुझे क्या? मुझे क्या? मुझे क्या? मुझे नहीं कहेंगे, मैं इस घर में नहीं रहता। आप लोग मालिक हैं तो मैं इस घर में कुछ भी नहीं। भैया की शादी है और आज अभी तक लड़की वाले के यहाँ चढ़ावा तक नहीं गया। चढ़ावा चाय का नारा है। हाँ, तो पहले शिफाली बेहोश हो गई, फिर तुम बेहोश हो गए, फिर तुम जाग उठे शिफाली की बाहों में। यानी जो कुछ भी हुआ सब बेहोशी में हुआ? वेरी सैड, वेरी सैड। कल शादी है प्रोफेसर और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भूल ही गया था, तब तो जश्न मनाना चाहिए। चलो आज चलकर कहीं पीते। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? बरखुरदार, आज ही का दिन है बहक जाने का, शादी के बाद कभी कोई नहीं बहक सकता। चलो पीते हैं। आप जानते हैं मैं शराब नहीं पीता प्रोफेसर। तो मैं शराब पीता हूँ क्या? अरे वही चलते हैं जहाँ लोग कोको कोला पीकर बेहोश हो जाते हैं, चलो आज वहीं पीते हैं। मुंह उधर, ऊपर, नीचे, इधर। हीरो, डेफिनेट हीरो। जी, मैं समझा नहीं। समझा नहीं? तुम समझाओ इसे। इन्हें पहचानते हो? ये तुम्हें पहचानते हैं तो तुम भी इन्हें पहचानते होगे। याद नहीं, ये आए थे, एक लड़की आई थी, एक बुढ़ा
तीन गिलास दो गोलियां, ये तो बच गए, वो बेचारी मर गई। जी बिल्कुल मर गई, पुलिस केस हो गया है। पुलिस? वो नहीं मर सकती। क्यों नहीं मर सकती? मैं कहता हूँ नहीं मर सकती। तुझे कैसे मालूम है कि मर नहीं सकती? बता रही तुम्हें, मर डालूंगा। रमेश, एक मर्डर कल किया, एक आज कर रहे हो, छोड़ो इसको। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक बताएगा नहीं। अरे छोड़ोगे तो बताएगा। बता बाबा, मैंने उसके गिलास में कुछ नहीं डाला था। तो फिर वो बेहोश कैसे हुई? वो बेहोश नहीं हुई थी। शिवाली बेहोश नहीं हुई, ये सब एक ढोंग था। प्रोफेसर, मैं उसका खून कर दूंगा। आई केला, एक और मर्डर। चलो चलिए। तुम रमेश की कुछ लगती हो? जी। क्या लगती हो? जी मैं कुछ भी नहीं। पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ जरा। क्या कह रही थी मुझसे? क्या? मैं पूछती हूँ, बाहर क्या जहर घोल रही थी? क्या कह रही थी मौसी? कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा शेफाली। तो फिर कौन से भेज जाने के लिए आई हो? कौन से आग लगाने आई हो मेरे घर में? तुम समझती हो मुझे बदनाम करके रमेश को छीन लोगी? तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगी, इस जन्म में तो नहीं। किसी जन्म में भी नहीं, रमेश तो अब जन्म जन्म के लिए तुम्हारा है। तो तुम क्या लेने आई हो यहाँ? कुछ लेने नहीं आई, तुम्हारा चढ़ावा देने आई थी शिफाली। मुझे क्षमा करो, मेरे आने से तुम्हें दुख पहुंचा है। पूनम, सच सच बताओ, तुम क्यों आई थी यहां? ये सोच कर आई थी कि अपने हाथों से तुम्हें सजाऊंगी, मेहंदी रचाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी और अपने प्यार की सारी प्रार्थना तुम्हें दे दूंगी। तुम रमेश को बहुत प्यार करती हो ना? रमेश तुम्हें प्यार करता है शेफाली। हेलो माय डियर डियर शिफू डार्लिंग। क्या है? सभी कुछ तो है स्वीट हार्ट, एक तुम ही नहीं। तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना। नहीं, कल मेरी शादी है। ये भला मैं कैसे भूल सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाना चाहता था कि मेरी जान, हमारा भी कुछ हक है तुम पर। व्हाट नॉनसेंस। मेरी जान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता बड़ा खतरनाक है, न जाने कब कहां और क्या भाव। आ रही हो ना? नहीं। हेलो हेलो, क्या बात है शिफाली? कुछ नहीं, आज के दिन ये आंसू क्यों? काश मैं तुम्हारी जैसी होती पूरा, सीधी सादी नेक। तुम्हें क्या मालूम इस सोसाइटी में अपनी हैसियत से जरा ऊंचा उठने के लिए कितना नीचे गिरना पड़ता है मुझ जैसी लड़कियों को। हेलो शिफू डार्लिंग, बातों बातों में एक बात कहनी तो मैं भूल ही गया। तुम्हारी शादी के लिए कुछ तोहफे तैयार, एक फिल्म, एक टेप। तुम यहाँ आकर ले जाओगी या मैं खुद ही लेकर चला आऊं? अच्छा एक काम करता हूं, अगर 15 मिनट के अंदर अंदर तुम यहां ना आई तो वो तोहफे रमेश के पास भिजवा देता हूं।
पास अभी आई। नहीं नहीं शिफाली, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। उफ पूनम, क्या रियली? शिफ्ट डालिंग, मैं जानता हूं कि तुम आओगी और जरूर आओगी। आज तुम्हारे साथ सब रिश्ते हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। ये लो, इतने गहरे रिश्ते क्या इतनी आसानी से खत्म हो सकते हैं डालिंग? देखो ना कितना गहरा रिश्ता हमारा। चढ़ावा रमेश के यहाँ से आया है और तुम अपने मदन के सामने खड़ी है। शहनाई वहां बज रही है और सुहाग की सेज यहाँ सजी है। आओ ना डालिंग। मदन, मुझे और बेइज्जत मत करो। तुमने मुझ पर बहुत जुल्म किए, अब मुक्ति दे दो। कल मेरी शादी होने वाली है, मुझे संभलने दो, अच्छा बनने दो, रहम करो मुझ पर मदन। अपने पति का विश्वास नहीं खोना चाहती। देखो शिफा, तुम जैसी लड़कियों की ढोंग मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। पति, इज्जत, विश्वास, ची 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 ची, ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अरे हम लोगों का धर्म है मजे करना, मौज उड़ाना। रमेश कमाएगा, हम ऐश करेंगे, वो कामकाज देखेगा और हम दुनिया घूमेंगे। डालिंग, मैं तो तुम्हारे लिए इतने रंगीन प्रोग्राम बना रहा था और तुम ये मुक्ति मुक्ति की बातें ले बैठी। बड़ी जालिम हो तुम। जालिम मैं नहीं, तुम हो, राक्षस हो तुम। छी 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 छी, जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हो उसको राक्षस कह रही हो? तो फिर ये बात सबके सामने क्यों नहीं मानते? क्यों अपना पाप रमेश के सर थोप कर उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो? तुम बुजदिल हो, पाखंडी हो, बेशर्म हो। शिवू डार्लिंग, तुम क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारे मदन के लिए एक नहीं हजारों मुसीबतें हैं और उनमें से पुनः तुम क्यों चली आई? हमसे मिलने चली आई और भला क्यों? तुम बहुत गंदे आदमी हो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसे पापी भी संसार में रहते हैं। कमाल, इस शहर की हर खूबसूरत और नौजवान लड़की को इस घर का पता मालूम है और आप ही को नहीं मालूम? आप जैसी हसीना को तो मुझे हाथ मत लगा दे। कितने पापी हो तुम जो अपनी पत्नी की शादी किसी और से करना चाहते हो, कितने नीच हो। लेकिन कितना नीच हूं मैं आप नहीं जानती। इस घर में आने के बाद कोई लड़की खाली हाथ नहीं लौटती। मेरे पास मदन, छोड़ दो मुझे। मदन, पूनम को छोड़ दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। मारो गोली, मैं कहता हूं मारो गोली। गोली मारोगी तो पूनम मरेगी।
क्या हुआ? इसे देखो। तुम वहां खड़ा इधर। देखा आपने, मेरे पास बहू भी है बेटा भी। तुम्हें बहू मिल गई और बेटा भी, और मुझे मेरा छोटा सा संसार वापस मिल गया। साहब अब तो बैंड बाजे का इंतजाम कर लो। हाँ तू भी ये चाव पूरे कर ले। चल चल चल। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। उस पापी को तो अपने किए की सजा मिल गई, मगर इस नानी जान का क्या होगा जिसकी तुम मां बनने वाली हो? मुझे क्यों बचा लिया? एक्सक्यूज मी, आपका नाम? शिफाली। पति का नाम? आपको मेरा नाम नहीं मालूम? प्रोफेसर ब्रिजमोहन अग्निहोत्री। तो आप इनके पति हैं? मैं नहीं तो आप इनके पति हैं क्या? ओह आई एम सॉरी।